हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की सामाजिक विज्ञान एसएसटी की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 22 के बारे में। आज की जो हमारी वर्कशीट है बहुत मज़ेदार भी है, बहुत आसान भी है। आज हम बात करेंगे इतिहास की, हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हम समाजवाद को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 22 और आज हमारी डेट है वो है 25 अगस्त 2020। हमारा विषय है, सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस हिस्ट्री। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो दिया गया यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। सबसे पहले हमें समझना है कि समाजवाद क्या होता है। अब समाजवाद क्या है? एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, ठीक है। क्या है? शासन व्यवस्था होती है। इसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है, और पूंजी होती है, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। ओके, समाजवाद में क्या होता है कि पूंजी है, पैसा कोई भी इकट्ठा नहीं कर सकता, कोई भी अंबानी नहीं बन सकता, कोई भी अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकता, सब किसकी होगी? सरकार की होगी। जो जितना काम करेगा उनके अनुसार उनको वेतन दे दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि समाज में आर्थिक समानता हो और समाज में सामाजिक समानता हो, ताकि ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो, ना कोई कमजोर हो ना कोई शक्तिशाली हो। तो समानता के लिए ये एक शासन व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन और पूंजी के ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है। थोड़ा और समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाए समाजवाद की कुछ विशेषताएं। पहली जो विशेषता है समाजवाद की कि इसमें निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है, यानी कि कोई भी पूंजी इकट्ठा नहीं कर सकता। आप देखते हो हमारे देश में कि किसी के पास 5 प्लॉट और किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है। समाजवाद में ऐसा नहीं है, रहने के लिए एक घर आप ले सकते हो। दूसरा है, ये पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के विरोध में है, यानी कि आप ना अपना अलग से काम धंधा कर सकते हो, ना ही आप अपनी प्रॉपर्टी है वो खड़ी कर सकते हो। आपको रहने के लिए पर्याप्त है उतना ही मिलेगा। तीसरी जो विशेषता होती है समाजवाद की, इसमें उत्पादन और पूंजी है उस पर समाज यानी कि राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार है, जैसे कृषि है तो किसान खेती करेंगे, उनको उसके बदले में मजदूरी दे दी जाएगी, उनका हिस्सा दे दिया जाएगा, जो प्रॉफिट बाकी का होगा वो किसका होगा? सरकार का होगा। चौथी विशेषता है कि इसमें नागरिक और सरकार के कुछ कर्तव्य होते हैं ताकि देश आगे बढ़ता रहे और समाज में समानता का विकास हो। तो ये समाजवाद की विशेषता होती है। अब यहाँ देखिए कि समाजवाद है वो यूरोप में फैलना शुरू हुआ। तो क्यों फैला, कैसे, कहाँ से आया? पहला तो ये था कि जो फ्रांस की क्रांति थी उसने प्रेरित किया। फ्रांस की क्रांति ने नए विचार दिए, स्वतंत्रता, समानता। अब यहीं से बात उठी कि समानता कैसे हो समाज में। तो पहली जो नींव रखी थी वो फ्रांसीसी क्रांति ने रखी थी कि इससे प्रेरणा मिली और समाज में समानता के लिए प्रयास किए जाने लगे। दूसरा था सामंतवाद, जो उस वक्त थे पूंजीपति जो लोग थे वो कमजोर हो गए थे उस वक्त आर्थिक मंदी के कारण। तो एक मौका था, क्या मौका था, कि परिवर्तन किया जाए समाज में। तीसरा था औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूरों के हालात बड़े खराब थे, काम करने के घंटे 12 से 15 घंटे थे, मजदूरी बहुत कम थी, रहने के लिए घर तक उपलब्ध नहीं थे, अब वो परिवर्तन चाहते थे। चौथा, किसानों के जो हालात थे, लगभग 85% जो लोग थे रूस में वो या यूरोप में वो किसान थे, उनके हालात भी बुरे थे, वो भी समाज में बदलाव चाहते थे। पांचवा ये था कि औद्योगिक क्रांति के बाद यातायात के साधन या उन सब के कारण व्यापार बढ़ा और एक नया वर्ग आया, मध्यम वर्ग, जो पढ़ा लिखा था, पैसा नहीं था, और वो पढ़ा लिखा वर्ग क्या चाहता था, वो पुरानी चीज़ों को बदलना चाहता था और उसने भी समाजवाद का समर्थन किया। पांचवा था, जिन्होंने समाजवाद को आगे बढ़ाया, जिन्होंने प्रेरित किया, वो थे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल और हीगल। इन्होंने समाजवाद का विचार दिया, उन्होंने सपने दिखाए, इन्होंने बताया कि अगर समाजवाद आया तो समाज में सब एक बराबर होंगे। तो इन कारण से समाजवाद है उसका विकास होता है यूरोप में। अब ये कि जब यूरोप में उस वक्त तीन प्रकार के लोग थे, तीन समूह बंट गए थे। पहले थे रूढ़िवादी, जिसे कंजर्वेटिव बोलते हैं, दूसरे थे रेडिकल, जो आमूलचूल परिवर्तनवादी थे, और तीसरे थे उदारवादी, जो लिबरल थे। अब रूढ़िवादी कौन थे? रूढ़िवादी लोग वो होते हैं जो लकीर के फकीर होते हैं, जो बदलाव नहीं चाहते। आप घर में देखते हो कई बार बड़े बुजुर्ग हैं तो वो आसानी से कोई बदलाव नहीं चाहते, तो उन्हें हम रूढ़िवादी कहेंगे। ओके, तो रूढ़िवादी जो लोग थे वो क्या चाहते थे? वो बदलाव नहीं चाहते, वो चाहते थे राजतंत्र हो, राजा हो, हम उनकी प्रजा हो, बस यही हो, वो बदलाव नहीं चाहते। दूसरे थे रेडिकल। रेडिकल क्या थे? वो तेजी से बदलाव चाहते, सब कुछ बदले, तुरंत बदले। वो चाहते थे कि लोग है वोट के आधार पर सरकार को चुने, वो चाहते थे कि लोगों के पास पूंजी जो हो, काफ़ी लोगों के पास बहुत सारा धन है और कुछ गरीब हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तीसरे थे उदारवादी। उदारवादी थे जो खुले विचारों के थे, वो चाहते थे बदलाव हो लेकिन धीरे धीरे हो। वो चाहते थे कि जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। वो चाहते थे कि सबको एक बराबर वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो तीन विचारधाराएं थी, रूढ़िवादी, रेडिकल, उदारवादी। रेडिकल और उदारवादी परिवर्तन चाहते थे, लेकिन परिवर्तन रेडिकल तेजी से चाहते थे, उदारवादी चाहते थे धीरे धीरे परिवर्तन। अब समाजवाद के विकास ऐसे हुआ, थोड़ी सी और चीज़ हम पढ़ लेते हैं कि पेरिस कम्यून है, उसका गठन होता है समाजवाद के विकास के लिए यूरोप में। और ये पहला बड़ा विशाल संगठन था जिसने नींव रखी थी कि समाजवाद है, वो उस विचारधारा को और फैलाया था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि कई क्लब बनने शुरू हो गए। अब क्लब बने तो विचारधारा और ज़्यादा फैली, और बाद में महिलाएं भी समाजवाद की समर्थक बन गई। तो ये हमारा कंटेंट था। अब आसान से 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा, वो है समाज में किन विषयों पर विचार किया जाता है समाजवाद में। तो समाजवाद में आर्थिक और राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक समानता है उनकी बात की जाती है, यानी कि समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता जैसे विषयों पर विचार किया जाता है। दूसरा है समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है, कि समाजवाद के अनुसार धन और उत्पादन के साधन है वो किसके अंडर में होने चाहिए, उन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए अति आवश्यक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि यूरोप में समाजवाद का जो फैलाव हुआ था, विचारधारा जो फैली थी, उसके क्या कारण थे। तो इसका पहला जो कारण था वो ये था कि लोग फ्रांसीसी क्रांतिक विचारधारा जैसे समानता स्वतंत्रता से प्रभावित थे और वो ऐसा ही अपने देश में चाहते थे। दूसरा था सामंतवाद था, वो कमज़ोर हो गए, जो एक बड़ी बाधा थी। अब एक नया सिस्टम बनना था और उसमें समाजवाद है वो ऊपर निकल करके आया। तीसरा था किसानों के हालात बड़े खराब थे और वो समाज में बदलाव चाहते थे। चौथा था औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूर और पूंजीपति वर्ग के बीच में संघर्ष बढ़ गया था, क्योंकि मजदूरों के हालात काफ़ी खराब थे और इसने भी समाज में बदलाव को जो लहर थी उसको और बढ़ावा दिया। पांचवा था मध्यम वर्ग है उसका उदय होता है, और मध्यम वर्ग जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो चाहता था कि समाज में बदलाव हो, वो राजतंत्र का विरोधी था और समानता चाहता था, और इसके लिए समाजवाद विचारधारा जो उस वक्त काफ़ी प्रसिद्ध हो रही थी उसका समर्थन किया। चौथा जो योगदान था, काफ़ी बड़ा योगदान था, वो योगदान था कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल और हीगल जैसे दर्शन शास्त्रियों का, क्योंकि इन्होंने ही समाजवाद का विचार दिया था कि समाजवाद जब आएगा तो देश में आर्थिक और सामाजिक समानता होगी, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, ना कोई शक्तिशाली होगा ना कोई कमज़ोर होगा, सब एक बराबर होंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है वो है रेडिकल और लिबरल, यानी कि आमूल परिवर्तनवादी और उदारवादी है, वो दोनों आपस में अलग कैसे थे, उनमें अंतर बताना है। तो उदारवादी जो नागरिक जो थे वो नागरिकों के लिए व्यक्तिगत अधिकार, धार्मिक सहिष्णुता यानी कि धर्मनिरपेक्षता और एक निर्वाचित संसद चाहते थे। वे महिलाओं को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, वे चाहते थे कि केवल संपत्ति वाले पुरुष ही वोट दें, सबको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उदारवादियों के विपरीत रेडिकल क्या थे कि वे जो अमीर पुरुषों को वोट देने का अधिकार की बात कर रहे थे उदारवादी, उसके विरोध में थे। वो चाहते थे कि सबको वोट डालने का अधिकार एक बराबर मिलना चाहिए। वो चाहते थे महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। वो चाहते थे कि एक ऐसी सरकार हो जिसमें सभी लोग उसका चुनाव करें, और वो चाहते थे समाज में तेज़ी से बदलाव आए। तो ये दोनों में अंतर था। उदारवादी धीरे धीरे बदलाव चाहते थे, रेडिकल तेज़ी से बदलाव चाहते थे। उदारवादी महिलाओं को वोट के अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, ये सबको वोट के अधिकार देने के पक्ष में थे। ओके, उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि आपको मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच में संघर्ष के क्या कारण लगते हैं, उनके बीच में संघर्ष क्यों हुआ था। तो रूसी क्रांति के बाद अगर हम बात करें तो रूस के साथ साथ जो रूसी क्रांति के समय में औद्योगिक क्रांति के बाद रूस के साथ साथ विदेशी जो पूंजीवादी है उन्होंने मजदूरों से 12 से 14 घंटे काम लेना शुरू कर दिया। बहुत कम मजदूरी दी जाती थी, उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती, यानी कि उनका शोषण किया जाता था। मजदूरों को ट्रेड यूनियन का गठन या सुधारों की तलाश करने का कोई अधिकार नहीं था, उनका जीवन बड़ा दयनीय था। जबकि पूंजीपति जो वर्ग था वो ठाठ बाट से रहता था, और इसी कारण से आगे चल करके मजदूर और पूंजीपतियों के बीच में संघर्ष का कारण बना। जब अति हो गई शोषण की तो संघर्ष हुआ। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, बहुत छोटा सा वीडियो था, जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।